में। राजस्थान में खेती के लिए स्थितियां काफी विकट है, लेकिन यहां के किसान इन परिस्थितियों से लड़ना और सफल होना बखूबी जानते हैं। इसीलिए राजस्थान की भावी पीढ़ी अब खेती में सुनहरे विकल्प तलाश रही है। पूसा द्वारा आयोजित ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में हमारी मुलाकात हुई जयपुर के कोटपुतली के लेखराम जी से, जो उच्च शिक्षा लेने के बाद अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं। लेखराम जी करीब 350 एकड़ भूमि में बागवानी और सब्जियों की सफल खेती कर रहे हैं, वो भी जैविक तरीके से। उनसे बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। लेखराम जी मिले, जो जैविक किसान हैं और जयपुर के कठपुतली में रहने वाले हैं। वो वहाँ 350 एकड़ में अपना हॉर्टिकल्चर और तरह तरह के सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पूरी जैविक पद्धति से वो खेती कर रहे हैं। आइए, मैं स्वागत करता हूँ आपका। लेखराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। लेखराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो ये जैविक विधि कर रहे हैं, कौन सी पद्धति को अपना रहे हैं और जैविक अपनाने के बाद आपका क्या फ़र्क महसूस किया? बेसिकली मैं 2016 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और ताराचंद बेल जी की टेक्नोलॉजी से मैं 2019 में इनके से कॉन्टेक्ट में आया था। उससे पहले मैं जितनी भी अपनी बायो फर्टिलाइजर कंपनियाँ हैं जो बायोकेमिकल्स बनाती हैं, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करता था 15-20 लाख रुपए के। बट गुरुजी के जब संपर्क में आया, इनके टेक्नोलॉजी को समझा, क्योंकि मैं साइंस से था तो बहुत जल्दी इनकी टेक्नोलॉजी को समझ गया था, तो मैंने उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। भस्म रसायन, जैव रसायन वगैरह, सडरस वगैरह, तो मुझे इंस्टेंट उसके ना बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिले। अभी जैसे मेरा पास 2.5 और 3 साल के नींबू हैं, तो 3 साल 3.5 साल वाले जो नींबू हैं, वो एक नींबू वो कम से कम 150-200 केजी नींबू आराम से वो दे रहा है। लेखराम जी ने उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी भी की, लेकिन इसके बाद कैसे उनका मन कृषि के क्षेत्र में आया, हमारे संवाददाता ने उनसे जानने का प्रयास किया। खेती में आने का आपका मनसा कैसे बना? मैं मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट था, मैं टेक्निकल मैनेजर था एक NABL लैब के अंदर गुड़गावा, और मेरा सर सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। हालांकि मेरा हो भी गया था प्राइवेट के अंदर, किम्स है कराड़ के अंदर, कृष्ण छोड़ो मेडिकल साइंस, पर मैंने वहाँ से स्विच कर दिया कि मुझे नहीं करना है। फिर मुझे लगा कि मैं कैसे मतलब देश की सेवा कर सकता हूँ हेल्दी तरीके से, तो मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे करते करते आया कि भाई सभी लोग केमिकल से परेशान, आज के दिन में कोई केमिकल नहीं खाना चाहता, सब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो मैं अपनी जॉब को स्विच करके और मैंने फार्मिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया, और मैंने स्टार्टिंग से ये लार्ज स्केल पे किया, क्योंकि स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट इसमें फार्मिंग में पे जो है मतलब कि प्रॉफिट मिलता नहीं है। तो मैंने लार्ज स्केल पे किया, सबसे पहले एलोवेरा लगाया, उसके बाद 15-15 फीट पे नींबू लगाए, उसके भी इंटरक्रॉप में पपाया लगाया, बाउंड्रीज पे मालबार नीम मोरिंगा और ये सब लगा के मैंने स्टार्ट किया, और अब मुझे बहुत ही मतलब अच्छा इस टाइम पे अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, और मेरा सेल आउट कंप्लीट मेरा प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक NPOP इंडिया NUHA सर्टिफाइड है, और दिल्ली NCR में बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मेरा टाइप हो रखा है और बिक रहा है बहुत अच्छे तरीके। खेती और उसके बाद फसल उत्पादन, हर किसान के लिए ये करना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब बात आती है बाजार की, उत्पाद की मार्केटिंग की, तो कुछ समस्याएं आना लाजमी है। इस समस्या का सामना लेखराम जी ने कैसे किया, आइए जानते हैं। मार्केटिंग के लिए आपने और क्या क्या व्यवस्था की? मार्केटिंग के लिए सर कुछ नहीं किया, मैं बेसिकली मैं साइंस से था तो मुझे लगा कि जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होएगा तो तब तक आपका प्रोड्यूस सेल नहीं होएगा। तो मैंने 2016 में जब मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो मैंने सर्टिफिकेशन में लैंड को उसी टाइम पर डलवा दिया था। तो जब मैं 2017 में जब मेरा चल रहा था इन कन्वर्जन सर्टिफिकेशन चल रहा था, तो गुड़गांव में मैंने एक दो जो स्टोर कर रखे हैं, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनको मैंने सप्लाई करना स्टार्ट किया, उन दो ने 4 को बताया, 4 ने 8 को बताया, तो फिर मेरा धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया, और आज के दिन मेरा ऑलमोस्ट सारा प्रोड्यूस सेल आउट हो जाता है। लेखराम जी जैसे युवा किसान भारत में खेती के मायने बदल रहे हैं, ऐसे युवा पुरानी तकनीकों को नए रूप में अपनाकर खुद भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी युवाओं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं।